हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने अपनी साइंस एंड टेक की सीरीज स्टार्ट की है, पहला जो इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप जाके देख लो कि किस तरीके से हम लोग चीजें करने वाले हैं और कैसे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने रखा है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई इससे रिलेटेड कोई पी वाई क्यू पूछा गया है, ये देख लेते हैं। नहीं पूछा गया तो भी देखेंगे। ठीक है, ये होता क्या है? ओके, इसको कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या एप्लीकेशन है, या इसके उपयोग क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कंसर्न्स हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी सोचना चाहिए यूज करने से पहले। इंडियन गवर्नमेंट आए दिन टेक्नोलॉजी की बात करती है, डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो वो कैसे, कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जा सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉलिसी मेकिंग में या गवर्नेंस में यूज किया जा सके। क्या इनिशिएटिव, इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना तरीके से नहीं स्प्रेड कर पाया जितना होना चाहिए, या हम उसका इतना उपयोग नहीं कर पाए। ओके, राजस्थान गवर्नर, जैसा कि हम लोग आर एस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें राजस्थान गवर्नमेंट का पता होना चाहिए कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या स्टेप्स या क्या इनिशिएटिव लेगा। फिर अगर मान लो ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या रखेंगे हम लोग, तो वे फॉरवर्ड हमें पता होना चाहिए। हर टॉपिक का ऐसे ही हमें प्रिपेयर करना है। ओके, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में दूंगा जो आप लोगों को लिखने हैं। आप उनका पीयर रिव्यू कर सकते हो, बूस्टर वाले पे भी डाल सकते हो। ओके, और वो हर चीज इंप्लीमेंट करनी है आपको उस आंसर में जो आप बूस्टर में सीख के आए। जिन लोगों ने बूस्टर प्रोग्राम नहीं किया है कोई बात नहीं, नेक्स्ट बूस्टर जब आएगा तब आप लोग सीख लेना। बट आप लोग मतलब सीख सकते हो आप, मैं वो नेक्स्ट जब वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें वो बूस्टर वाले बच्चों की कॉपी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। आप करते हैं तो इससे कोई पी वाई क्यू नहीं आया है। ओके, अब आप बोलोगे कि सर इससे तो कोई पी वाई क्यू जब आया नहीं, आप तो पी वाई क्यू बोलते रहते हो, और जब इससे आया नहीं तो हम लोग इसको क्यों प्रिपेयर करें? नहीं, प्रिपेयर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी सुना है और आप लोग बहुत यूज भी कर रहे होगे इसको। एलन मस्क आए दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बोलते रहते हैं। गवर्नमेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है कि ताकि फार्मर्स तक जो सर्विस डिलीवरी की जा सके। ओके, राजस्थान गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है ताकि स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो करंट में हमेशा बनी रहती है। ओके, और करंट से क्वेश्चन उठ के आता है, आप सबको पता है। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो अब और ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। चैट GPT 4 आ गया है। ओके, तो ये और न्यूज में है, हर कोई डिस्कशन कर रहा है चैट GPT के ऊपर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना हो सकता है, मतलब क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ, और इस टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जो हम लोग आगे वीडियोस में डिस्कस करने के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को ना एक एक वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, जो पीपीटी में एक एक वर्ड है वो नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो, जैसे इंसान होते हैं ना, इंसान की आप लोग देखो क्या क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो याद करने की क्षमता, वो परसीव कर सकता है। अगर ये जो क्षमता है, ये जो एबिलिटी है, अगर मशीन्स में आ जाए, अगर ये एबिलिटी मशीन्स में आ जाए तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। कि कंप्यूटर्स, रोबोट्स या जो आप गैजेट्स यूज करते हो वो आपकी तरीके से सोचने लग जाए, जैसे आप सोचते हो, वो आपकी चीजों को समझने लग जाए, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, जैसे इट इज द एबिलिटी ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट, रोबोट या मशीन की बात कर सकते हैं, टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करते हैं भाई, टास्क, काम जो कि आज तक किसके द्वारा किए गए थे, ह्यूमन के द्वारा। कि भाई ये मशीन, ये कंप्यूटर, ये रोबोट्स अगर अब लोग वो काम भी करने लगे जो लोगों के द्वारा या इंसानों के द्वारा जो काम किए गए थे, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मशीन की वो क्षमता है ये कि वो इंसानों की तरह काम कर रही है अभी।
और ये टर्म आया कहाँ से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है, ये शब्द आए कहाँ से? जॉन मैकार्थी ने इसके बारे में पहली बार 1956 में बोला था, जब वो एमआईटी में एक लेक्चर दे रहे थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो आप ये डेफिनेशन आप याद कर लो। अब देखो, अब आप जब अगर मान लो क्वेश्चन आता है, अब उस दिन मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा इस डेफिनेशन को लिख दो या इस डेफिनेशन को लिख दो कि भाई मशीन्स क्या है, ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट होगी, वो ह्यूमन की तरह काम करने लगी। तो ये डेफिनेशन को आप याद कर लेना और आप ट्राई करना कि इसी डेफिनेशन को आप वहां पे लिख दो। अब आपको समझ भी आ गई होगी। ओके, फिर जो वैल्यू एडिशन की बात होती है, तो बताओ कि किसने इस टर्म के बारे में लिखा था और कब दिया था। ये वैल्यू एडिशन का हो गया कि हमारे पास एक फैक्ट है। ये बूस्टर में सीख के आए हैं ना कि कहाँ पे फैक्ट यूज करना है, कहाँ पे डायग्राम बनाना है और कहाँ पे कैसे चीजें ऐड करनी है ना। ये हिंदी स्लाइड भी है इसके साथ में, आप लोग एक बार इसको देख लेना, पीपीटी में आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो वही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई कि मशीन जो है, जैसे रोबोट बना हुआ, ये सोच रहा है, ये रोबोट पढ़ रहा है, देखो ये मशीन से मशीन जो अपने आप को करेक्ट कर ले। जैसे चैट जीपीटी जब पहली बार आया तो उसमें बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप उस, जैसे देखा था ना कि प्रीलिम्स का टेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाया चैट जीपीटी, है ना। लेकिन हो सकता है कि चैट जीपीटी जो 4 आया है वो यूपीएससी को क्लियर कर दे, या उसका करेक्शन जो है या फिर जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ गई हो। तो मशीन्स क्या अपने आप को करेक्ट करती हैं, उनके पास जितना डेटा अवेलेबल होता है उस डेटा के साथ, उस रिकॉर्ड के साथ अपने आप को वो क्या करते जाती हैं, वो रिकॉर्ड फीड होता है, वो डेटा फीड होता रहता है, वो रिकॉर्ड मिलता रहता है, तो अपने आप को वो करेक्ट करते रहते हैं। रीजनिंग एबिलिटी आ जाए मशीन्स में और क्रिएटिव हो जाए, अपने आप ही मशीन्स इस तरीके से मतलब चीजें करने लगे कि उन्हें पता हो कि यार सर को कॉफी में कितनी, मतलब कॉफी कैसी पसंद है, कितनी शुगर हो। आप ऑफिस से आ रहे हो, मशीन अपने आप को भी बना दे। आप ऑफिस से आ रहे हो, आपके रूम की लाइट अपने आप ऑन हो जाए और टेम्परेचर सेट हो जाए कि भाई जो किचन में जो कॉफी मशीन रखी थी वो अपने आप कॉफी तैयार कर दे, हो गया। गाड़ी अपने आप टेम्परेचर सेट कर दे, अपने आप गाड़ी चल रही है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है कि एलेक्सा को अपन बोलते हैं ना कि एलेक्सा ये गाना चला दो, तो वो गाना चला देती, कि सीरी सीरी से बात करते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये जैसे अभी मैंने जो डिस्कस किया आप लोगों से कि मैन्युफैक्चरिंग में, भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोट काम कर रहे हैं, मशीन्स काम कर रही हैं, अपने आप ही मैन्युफैक्चर कर दे रही है चीजें। कुछ ह्यूमंस को तो रिप्लेस ही कर दिया है कि मोबाइल बन जा रहा है, सारी चीजें हैं, इवन गाड़ी अपने आप ही पूरा टायर से लेके और फाइनल गाड़ी बनती है वो अपने आप बन जाती है, रोबोट्स बना दे रहे हैं। जयपुर में एक रेस्टोरेंट जहां पे रोबोट्स सर्व करते हैं खाना। सीरी का एग्जाम्पल हो गया, एलेक्सा का एग्जाम्पल हो गया। ये सब एग्जाम्पल हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ में हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मीडिया रिकमेंडेशंस आप देखते होंगे कि आप लोग अगर मान लो अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार मेरे को ना नाइकी के शूज चाहिए, मेरे को नाइकी बहुत पसंद है, तो आप उसके बाद फोन रखने के बाद देखोगे फेसबुक पे आपको नाइकी की ऐड आ रही है, आपको इंस्टा पे नाइकी के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अच्छा, और ये चीज देखी होगी आप लोगों ने कि आज मान लो बारिश हुई है, जोमेटो का मैसेज आ जाएगा कि आपका समोसा खाने का मन है क्या। मशीन इतना प्रिडिक्टिव हो गई है, आपको हॉस्पिटल्स में रोबोट मेडिसिन बता रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन कितनी ले ली, कितनी क्वांटिटी में इसमें सॉल्ट यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में क्या चीज यूज करनी है। बैंक्स में आजकल यूज होने लगा है कि भाई फेशियल रिकॉग्निशन से आपकी सारी डिटेल्स आ गई, सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, वो सारी डिटेल्स लग गई, फेस फेस रिकॉग्नाइज किया और आपका फोन ओपन हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोग यूज कर रहे होगे अभी, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अगर एप्लीकेशंस की बात करूं मैं कि भाई कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है, अब आप खुद सोचो, इसकी तरफ मत देखो, ये जो डायग्राम बनाओ इसकी तरफ मत देखो, आप खुद सोचो, अपने आप को सेंटर में रखो और अब आपके आसपास आपका जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में सोचो कि कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो सकता है। भाई आपको खाना खाना है तो खाना कहाँ से आएगा, खेती से आएगा, खेती से मतलब एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर में कहाँ यूज हो सकता है,
आपको अच्छी हेल्थ रखनी है, आपको ट्रांसपोर्ट कहीं जाना है, आपको बैंक जाना है, बैंकिंग, फाइनेंस, ई कॉमर्स, है ना, आप शॉपिंग करते हो, आप गेम्स खेलते हो, चेस का गेम खेलते हो ना, खेला होगा आप लोगों ने, वो क्या है, मशीन सी तो आपके साथ ह्यूमंस के साथ खेलती है कि भाई देखा होगा वो, मतलब हार्डली ऐसा होता है कि हम लोग हरा पाते हैं चेस में मशीन को, कंप्यूटर को। ओके, आप लोग देखोगे सोशल मीडिया वाली चीज होगी। ओके, आप स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं कि भाई स्पेस को एक्सप्लोर करना है, या फिर ह्यूमंस की, क्योंकि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो कुछ कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एस्ट्रोनॉट वापस नहीं आ पाते, लेकिन अगर रोबोट्स भेजे जाएं, चांद पे रोबोट्स भेजे जाएं, मार्स पे रोबोट्स भेजे जाएं, और वो वहां की सोइल को देख के बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मशीन्स इतना ज्यादा मतलब सोच पाए, इतना इंटेलिजेंट हो। एजुकेशन, एजुकेशन में भाई बच्चे की रिपोर्ट, बच्चे का पूरा डेटा, एक बच्चे के बारे में ये बता दे कि ये स्टूडेंट किस चीज में स्ट्रॉन्ग है और उसकी क्या वीकनेसेस हैं, तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे को उसी तरीके से उसी फील्ड में डालेंगे कि भाई इसका तो मैथ्स अच्छा है तो इसको मैथ्स कराएंगे, ये टेक्नोलॉजी में अच्छा है तो इसको टेक्नोलॉजी कराएंगे। सो दीज आर दी एरियाज जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है। अब इनको बारी बारी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में मान लो कोई पेशेंट है, ओके, उस पेशेंट का अगर मशीन के पास पूरा डेटा है बचपन से लेके अभी तक का, और वो उस मशीन ने अगर उसकी जीन को स्टडी कर लिया, तो वो मशीन ड्रग डिस्कवरी कर दे कि इस पेशेंट के लिए कौन सी ड्रग या इस पेशेंट में कौन सी डिजीज है, इस ड्रग में कितना सॉल्ट होना चाहिए, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके बता दे, जो कि ह्यूमंस के लिए अभी, जो कि ह्यूमंस कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना आया, अगर मान लो मशीन्स या रोबोट्स या टेक्नोलॉजी पहले ही ये चीज प्रिडिक्ट कर पाती कि कोरोना आने वाला है, तो इतनी जो जाने गई हो, जाने बचाई जा सकती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए ऐड करना चाह रहा हूं, क्या इसको फिर गवर्नेंस में यूज कर सकते हो? अगर आप खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कोरोना को प्रेडिक्ट कर पाती, तो गवर्नमेंट अपनी अरेंजमेंट्स कर पाती ना, जो लॉकडाउन लगा, जो उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हुए, वो नहीं हो पाते, इतने लोगों की डेथ नहीं हो पाती, हम लोग अपने आप को पहले ही ट्रेन कर पाते कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन की जा सकती है मशीन्स के द्वारा कि कोरोना जैसा महामारी आगे भी आ सकती है, अगर मशीन ऐसा प्रेडिक्ट कर देती तो ये हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की हमें बार बार ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें हैं ये सब नहीं, कि भाई फाइल लेके घूम रहे हैं, हमारे कहीं भी जाते हो हॉस्पिटल में आपके फाइल बना दी, हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए पूरा कि क्या डिजीज है, कहाँ पे कौन से सेल्स, इवन ड्रग डिलीवरी में, ड्रग डिलीवरी की बात करें तो मशीन्स कि भाई मान लो बॉडी में पर्टिकुलर लोकेशन पे एक ड्रग को डिलीवर करना है, तो रोबोट्स करें, ऐसा नहीं कि भाई हमें बॉडी को काटना पड़ रहा है वहां पे। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल बता दो कि भाई जो रेडियोथेरेपी होती है ना, रेडियो सर्जरी होती है, वो ट्यूमर ट्यूमर को बिना काटे पीटे, है ना, कि बॉडी को बिना काटे पीटे ट्यूमर को ठीक कर दे रहे, तो रेडियो सर्जरी क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन्स काम कर रही है वहां पे, रोबोट काम कर रहा है। तो दीज आर दी थिंग्स जिसमें मतलब हेल्थ के सेक्टर में अगर देखें जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, जैसे न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा है ना, कि डिमेंटिया को ठीक किया जा सकता है, तो वो डिटेक्ट कर सकती है। आगे देखते हैं, ये हिंदी में आप लोग देखना। ओके, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में कितनी सारी पॉपुलेशन है, 45% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, जो रोजमर्रा का उनका जीवन है वो एग्रीकल्चर पे की वजह से चलता है। अब खुद सोचो आप, एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर एग्रीकल्चर में हम लोग मशीन्स का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें और मशीन हमें ये बता दे कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, जैसा कि हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो यूज करता है ना, कैसे बता दिया उन्होंने कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, वो 15 दिन पहले बता दिया कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, या इस बार गर्मी ज्यादा होने वाली है, इस बार ठंड ज्यादा होने वाली है, तो जो किसान होता है, किसान उसी तरीके से अपनी चीजों को प्लान करता है कि मुझे अब कौन सी फसल उगानी है, कितनी उगानी है, कब उगानी है। अगर किसान को ये पता चल जाए कि जो उसकी सॉइल है, जो उसकी खेत की जो मिट्टी है, जमीन है, उस जमीन में कौन सी फसल उगाई जा सकती है,
अगर उनको ये पता चल जाए कि ये जो पेड़ है इस पेड़ में कितना फर्टिलाइजर यूज होगा, मशीन अपने आप ही उतना आके स्प्रे कर रही है कि इस पेड़ के लिए इतना ही स्प्रे इनफ है, इतना ही नाइट्रोजन या इतना ही खाद सफिशियंट है, तो कितना आसान हो जाएगा। या फिर मान लो जैसे कि खरपतवार लग जाती है तो उसको भी डिटेक्ट कर दे, उसको खत्म कर दे, या फिर गेहूं में पता पहले ही पता चल जाए कि गेहूं में कीड़ा लगने वाला है, गन्ने में कीड़ा लगने वाला है, उसको प्रिडिक्ट कर दे, तो किसान उसी तरीके से प्रिपेयर करेगा अपने आप को। और जब ये सारी चीजें अगर सरकार प्रोवाइड करवाती है तो सरकार ये भी इंश्योर कर देगी कि इस बार कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, कि हमें बाहर से अनाज लेना है या नहीं लेना है, या अनाज को हम ज्यादा बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे इसको इकोनॉमी से जोड़ दो आप। देखो ये इंटरलिंक करना पड़ता है, हमें अपने दिमाग को खोलना पड़ता है। यही सारी चीजें जैसे कि प्रिसिशन, कि एग्जैक्ट सटीक खेती कर सकते हो आप कि कौन सी फसल उगानी है, हमें सोयल की हेल्थ की, सोयल की कैसी व्यवस्था में है सोयल, वो ठीक है नहीं है, उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा है या बेसिक कंटेंट ज्यादा है, हमें पता चल जाएगा। फिर उसी के हिसाब से हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, कितनी क्रॉप की यील्ड होगी। आप देखते होगे कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन जो फसल जो बच्चों की फीस भी फसल के ऊपर निर्भर करती है उनके, कि कितनी फसल होगी तो बच्चों की फीस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगर उन्हें पहले से पता चल जाए तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन या बेटी की शादी या बेटे की शादी या उन घर में कुछ चीजें खरीदनी है तो वो वैसे प्लान करते हैं। वेदर फोरकास्ट हमें पता चल जाए कि मौसम कैसा होने वाला है अगले 10 दिन का। ओके, तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंप्रूव की जा सकती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, देखो जैसे ये न्यूज़पेपर में कटिंग, ये आप न्यूज़पेपर में ढूंढा करो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन एक्सप्रेस भी लिख दोगे ना तो भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हो। ओके, आप लोग देख लेना हिंदी में इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना। ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अभी जैसे बताया कि एलन मस्क आजकल जो बात करते हैं कि जो टेस्ला की कार है ड्राइवरलेस कार, ड्राइवर की जरूरत ही नहीं, अपने आप चल रही है, अपने आप देख ले रही है कि कब रेड लाइट होगी कब रेड लाइट नहीं होगी, साइड में गाड़ी कितनी दूर है, कितनी स्पीड से चलना है, अगर ट्रैफिक है ट्रैफिक मैनेज, मतलब रेड लाइट ऐसी अपने आप ही कर ले कि अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी गाड़ी नहीं है फिर भी रेड लाइट हो रखी है, लेकिन मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो कि उसे पता हो कि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी है तो वो ग्रीन लाइट रहे वहां पे, या ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो उसके तरीके से मैनेज करे। आप लोगों ने देखा होगा ना कि गूगल मैप हमें दिखा देता है ना कि कई बार कि इस रोड से मत जाना, इस रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है, रेड दिखा देगा वहां पे, या वरना ब्लू दिखाएगा या येलो दिखा देगा कि दूसरे रोड से चले जाओ, शॉर्टेस्ट रोड दिखा देता है। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रैफिक मैनेजमेंट में ऑटोनोमस व्हीकल्स मतलब ड्राइवरलेस कार बन सकती है ना, तो वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है। ओके, आगे आते हैं एजुकेशन की बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। ओके, एजुकेशन में आप खुद सोचो, अगर हमारे पास बच्चे का डेटा हो, बच्चे के रिपोर्ट कार्ड्स हो, सारी चीजें हो, और उस डेटा को फीड कर दिया जाए कंप्यूटर, और कंप्यूटर ये बता दे कि ये बच्चा किस चीज में स्ट्रॉन्ग है, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, स्पोर्ट्स में ठीक है या किस में, तो पेरेंट्स टीचर्स उसी तरीके से बच्चे को ट्रेन करेंगे। ओके, आप देखते होगे चैटबॉट वाला देखा होगा ना, कि जैसे मान लो तेज सिविल्स है, तेज सिविल्स चैटबॉट बना दे अपना कि अपने आप ही आपको आंसर आ जा रहा है, होता ना कि हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो एक छोटा सा साइड में ऐसे पॉपअप होता है ना, आपने देखा होगा एक ऐसे पॉपअप हो जाएगा हाय हाउ आर यू, तो वो क्या है चैटबॉट, वो मशीन्स है, मशीन्स इंटेलिजेंट मैसेज कर रही है वो आपको। ओके, तो और ऐसे ही भाई स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें तो जो स्कूल जो बच्चों के ड्रॉप आउट्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, अगर हम लोगों के पास इतना डेटा हो तो उस चीज को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग उसको यूज, तो ड्रॉप आउट्स की कमी हो सकती है, गवर्नमेंट फिर उसी तरीके से पॉलिसीज में उसको यूज कर सकती है। पूरे डेटा को एनालाइज कर दो, एनालाइज कर लोगे तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पता चल गई हमें, हमें फटाफट आंसर्स मिल सकते हैं कि तुरंत टेस्ट कंप्लीट किया तुरंत आंसर आ गए सारे, आपके आंसर के साथ ये भी आ जाता है कि आप इस चीज में तो स्ट्रॉन्ग हो, ये आंसर गलत है, आप लोगों ने ये आंसर दिया नहीं, आपको इस सब्जेक्ट में काम करना चाहिए, ये सब्जेक्ट आपका वीक है, ये सारी ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम हो जाता है, फटाफट सारी चीजें हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन में एआई का यूज कर सकते हो और चीजों को इंप्रूव की जा सकती है।
ठीक है, आगे आते हैं। ई कॉमर्स की बात आती है। ई कॉमर्स का जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे अमेजोन है, हमें अमेजोन की एड आती रहती है, जोमेटो की एड आती रहती है, ओके, या फिर ये फ्लिपकार्ट की एड आती रहती है। हमने फोन पे ऐसे ही बात किया, या मैंने एक बार सर्च किया कि यार मुझे तेज सिविल का के नोट्स देखने हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पे भी तेज सिविल दिखेगा, ट्विटर पे भी तेज सिविल दिखेगा। या ऐसे ही मुझे देखना है कि यार मुझे तो डिकैथलॉन से चीजें लेनी है, तो देखेंगे कि सेम हमें ऐड आ जा रही है, मैसेज आ जा रहा है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जैसे कि क्या हमने क्या सर्च किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी शॉपिंग, दुकानदार को भी ये पता चल जाता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर इंसान को क्या चीज पसंद है, तो वही चीजें हमें दिखाएंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे करती हैं? इसी तरीके से तो अपना बिजनेस करती है, वो मशीन्स का, वो डेटा का यूज करती है। ये वर्चुअल चैटबॉट्स बना दिए कि भाई अब कंप्यूटर पे आदमी को बैठने की जरूरत है, या ऑफिस में आदमी को बैठने की जरूरत है, चैटबॉट बना दिया कि कस्टमर को अगर कोई भी दिक्कत होगी तो चैटबॉट रिप्लाई करेगा वहां पे। चैटबॉट बेसिकली क्या है? वो मशीन है, ओके, आपके कस्टमर के लिए हमेशा अवेलेबल है 24/7। तो जब बिजनेसमैन के लिए आसान हो गया है कि यार 24/7 मैं चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं, तो उनका बिजनेस तो ग्रो करेगा ना। आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो फ्रॉड हो रहा है, उसको प्रिवेंट कर सकते हो कि भाई ये क्रेडिट कार्ड है जो फेक है, ओके, इसकी जो डिटेल्स है वो फेक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फटाफट पकड़ ले उस चीज को, ओके। इन्वेंट्री को मैनेज करना, इन्वेंट्री मतलब जैसे फ्लिपकार्ट की बड़ी बड़ी इन्वेंट्री होती है ना, वेयर हाउसेज होते हैं, अमेजोन के वेयर हाउसेज, मशीन्स अपने आप ही बता दे कि यार ये चीज है जो है कम होगी यहाँ पे, और इसका ऑर्डर प्लेस कर दे, उसके सिग्नल देने लगे कि ये चीज कम होगी है, इसको लेके आओ, हमें बता दे, ओके। तो वो सारी चीजें की जाए। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, मशीन्स बता दे। तो ये जब, अगर सोचो मैं कोई चीज बना रहा हूं और मुझे डिमांड एंड सप्लाई, मुझे डेटा के अकॉर्डिंग मुझे इस चीज का पता चल गया कि इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं अपने बिजनेस को उसी तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूं, और बड़ी बड़ी कंपनीज ये करती भी है। तो ई कॉमर्स में इस तरीके से यूज की जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही फाइनेंस की अगर बात करते हैं, फाइनेंस में जैसे फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा बैंकिंग में कितने फ्रॉड्स होते हैं, गलत अकाउंट फिल हो गया, ओके, लोग मतलब गलत चीजों के ना, गलत नाम से दो दो अकाउंट, तीन तीन अकाउंट, फ्रॉड अकाउंट बना के, है ना, पैसा कमा लेते हैं या फ्रॉड करते हैं। मशीन हमें यह बता दे कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, हमारे हमारे पास जो पैसा है उस पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें इवन ये भी बता दे कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, कौन सा शेयर अभी नीचे आने वाला है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में हेल्प करे हमें। हमें ये बता दे कि अभी मार्केट नीचे आने वाली है, तो हम उसी तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, उसी तरीके से हम लोग जहां पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट हमारी जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। अगर हमें पहले से ही पता होता, मशीन हमें ये बता दी कि कोरोना आने वाला है, कोरोना आएगा तो मार्केट डाउन आएगी, तो ये चीज हमें पहले पता होती तो जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट, वो पैसा अपना निकाल सकते हैं। किस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं तो उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अब जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी के क्या क्रेडिट स्कोर है, ओके, आपका क्या क्रेडिट स्कोर है वो पता हो, तो जो जो कंपनी लोन प्रोवाइड करती है वो आपको अप्रोच करेंगे आपको क्रेडिट स्कोर देख के। तो इससे क्या, फाइनेंस में भी कस्टमर सर्विसेज, वही चैटबॉट्स और वे सब बना देना। तो इस तरीके से फाइनेंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। आई थिंक आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ओके, आपको मैं समझा रहा हूँ ये सारी चीजें, फिर आप नोट कर सकते हो। स्पेस में, स्पेस में आप जा रहे हैं, जैसे हम लोगों को क्या करना है, एस्ट्रोनॉट स्पेस में पढ़ते हैं, ओके, या कोई स्पेसशिप गया, वो खराब हो गया, अब वहां पे तो इंसान जाके ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन मशीन अपने आप ही खुद को ठीक कर ले, मेंटेनेंस खुद को मेंटेन कर ले कि अभी कितना इसमें टेम्परेचर होना चाहिए, कितना फ्यूल होना चाहिए, वो सारी चीजें अपने आप कर ले। कोई अगर पार्ट खराब हो गया तो वो पार्ट ठीक कर ले, रिप्लेस कर ले। वेदर फोरकास्ट को मतलब फोरकास्ट कर दे, एक्सप्लोर करे कि भाई मार्स पे जाए, रोबोट्स जाए वहां पे जाके एक्सप्लोर करे कि यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ का वेदर कैसा है, ओके, इमेज को एनालाइज करना, कि दूर दूर तक की इमेज को एनालाइज करना कि कहां पे स्टार है, कहां पे कोई नया प्लेनेट है, वहां पे लाइफ पॉसिबल होगी नहीं होगी,
ये सारी चीजें, स्पेस को एक्सप्लोर करना। अब सोचो अगर इसरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके स्पेस को इतना एक्सप्लोर करे तो वो इसरो के अपनी प्लानिंग में जो मिशंस जो प्लान करती है वो कितने आसान हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं, आप कितने भी एरिया सोच सकते हो। आप अपने माइंड को ओपन करो, जैसे म्यूजिक में है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट करना है आपको। ओके, गेमिंग में आप लोगों ने देखा होगा जैसे चेस का गेम है, या फिर जो क्या बोलते हैं, मैं गेम का नाम बोल रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा खेलते हैं वो बच्चे वो गेम जिसमें फायरिंग वायरिंग होती है। ओके, काउंटर स्ट्राइक या कुछ ऐसा गेम है ना, इंटेलिजेंट रोबोट्स होना, बैंकिंग हुआ, डिफेंस सेक्टर है। अब सोचो डिफेंस में सरकार किस तरीके से अपने डिफेंस को मतलब रोबोट्स बना दिए। आपको पता हो कि बॉर्डर एरिया पे किस तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट की जाए, वहां पे डिफेंस, अभी वेपन्स इस तरीके के वेपन्स डिजाइन किए जाए। ओके, जैसे सियाचिन में हमारे सोल्जर्स काम करते हैं, आर्टिफिशियल मशीन्स को ऐसा बनाया जाए कि हमें सोल्जर्स को वहां पे डिप्लॉय ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ होती है वहां पे, बहुत सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं, क्यों ना हम लोग मशीन्स को डिप्लॉय कर दें वहां पे। बट उनके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस भी हैं, वो अलग चीजें हैं। बट हाँ, ये एरियाज हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। स्मार्ट सिटीज है भाई, स्मार्ट सिटीज को बनाया जा सकता है कि इस सिटी में जैसे सिवरेज है, आप देखते होगे मॉनसून के टाइम पे पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो मशीन्स का यूज करके उसको ठीक किया जा सकता है। डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में तो आपको बता ही दिया कि लाइट अपने आप ऑन होना, सारे गैजेट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, सोशल मीडिया की बात हम लोग बिजनेस सेक्टर की हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये एरियाज हैं, आप कितने भी एरिया सोच सकते हो। ओके, आप अपने अपने दिमाग को लिमिट मत करो, सोचो कि और कहाँ कहाँ पे, इवन आप कमेंट करके बताना कि और कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। ओके, लेकिन देखो अभी तक हम लोगों ने इनकी एप्लीकेशन पढ़े, यूजेस पढ़े, अलग अलग सेक्टर में यूजेस पढ़े, लेकिन इसके साथ ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ कंसर्न हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, जैसे बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन। आप खुद सोचो, कोई मशीन है, उस मशीन में जो कोडिंग की गई होगी या जो डेटा रिकॉर्ड किया गया होगा, वो किया तो किसी इंसान ने ही ना, और अगर वो इंसान किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर रीजन या फिर रिलीजन, या फिर आप सोचो माइनॉरिटीज, या किसी भी चीज के प्रति वो बायस हो, तो वो उसी तरीके से कोड्स फिल करेगा, वो उसी तरीके से मशीन को ट्रेन करेगा, तो मशीन भी क्या हो जाएगी, बायस्ड हो जाएगी। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, एक मिनट मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का टेट वीट था, टेट वीट करके माइक्रोसॉफ्ट का, ओके, ट्विटर मतलब ट्वीट करता था। अब माइक्रोस जिन्होंने भी वो बनाया था, वो आदमी बायस था रेसिज्म को लेकर, तो ये जो ट्वीट कर, ये जो अकाउंट था, ये भी रेसिज्म वाली ट्वीट्स करने लगा था कि हम ब्लैक्स को खत्म कर देंगे, ब्लैक्स को खत्म कर देना चाहिए, इवन कि मेक्सिको और यूएस के बीच में एक वॉल बना देनी चाहिए इनको अलग कर, ऐसे ट्वीट्स करने लगा ये। तो इसको अगले 16 घंटे में इसको बंद किया गया कि यार ये तो मशीन इस तरीके से काम कर रही है। तो आप खुद सोचो कि मशीन कितनी खतरनाक हो सकती है अगर उसमें इंफॉर्मेशन गलत चली जाए तो ये बायसनेस, ये कंसर्न है, ये सोचने वाली चीज है। दूसरा तो जॉब डिस्प्लेसमेंट, भाई जॉब लॉस होगा लोगों का। अब अगर हर जगह आप मशीन को बैठा दोगे इंसान की जगह, तो वो इंसान क्या करेगा, जॉब लॉस होगा, ये तो सिंपल सी। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, आप सोचो मशीन्स को हैक करना, ये हमारे कंप्यूटर को हैक करना, गैजेट्स को हैक करना कितना आसान हो गया आज के टाइम पे। जैसे वानाक्राई आप लोगों ने देख सुना होगा, है ना, रैंसमवेयर। ओके, तो ये हमारी प्राइवेसी को हैम्पर कर सकता है, हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, क्यों, क्योंकि अगर गैजेट है, गैजेट को हैक कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे हमें खुद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें हैकिंग से बचना कैसे है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये कह लो या फिर अकाउंटेबिलिटी कह लो। अब एक चीज बताओ, जैसे ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवरलेस कार ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो कौन अकाउंटेबल होगा, मशीन, वो गाड़ी के अगेंस्ट केस किया जाएगा,
तो ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं है मशीन की। एक तो हम ओवर रिलायंस कर जाएं, मतलब ज्यादा ही डिपेंड हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए कि हर चीज मशीन करने लगी, तो फिर इमोशंस की कहां बात होगी? मशीन्स तो इमोशनलेस होती हैं। फिर इंसान के जो इमोशंस है, जो हम लोग एक दूसरे के साथ जो हमारे बॉन्ड होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, वो कहां जाएंगे? इवन क्या है, लैक ऑफ रेगुलेशन। गवर्नमेंट कैसे, अब वही चीज ना देखा कि गवर्नमेंट कैसे या फिर पुलिस कैसे देखेगी उसको, किसको दोषी ठहराएगी वहां पे? तो ये इश्यूज हैं, जैसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वो ड्राइवरलेस कार वाला, कि मशीन अपने आप चल रही है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मशीन में बात तो की गई कि भाई कैंसर को ठीक करना है, ऐसी मशीन बना दी गई, और पता चला उसको फीड दिया गया कि भाई हमें वर्ल्ड से कैंसर को खत्म करना है, लेकिन मशीन ने जिन आदमियों को कैंसर हो उनको ही मारना शुरू कर दिया, तो आप सोचो कितना खतरनाक हो सकता है ये चीज। तो ये चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकली सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब कि मशीन से ही इतनी स्ट्रांग होगी कि वो हर चीज में डोमिनेट कर रही है, एक पॉइंट ऑफ पे जाके मशीन हर चीज को कंट्रोल करे। एथिकल कंसर्न्स, एथिकल कंसर्न्स भी तो हैं। एथिकल कंसर्न्स से कैसे, जैसे वही सेफ्टी इश्यूज, बायसनेस। ओके, आप मशीन्स को तो मैनिपुलेट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग, तो ये सारे कंसर्न्स हैं। लोग मशीन, जैसे अभी फोन यूज करते हैं बहुत लोग, लोगों में देख रहे हो ना मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं लोग। ओके, तो इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब टेक्नोलॉजिकल डिवाइड क्या होता है, ये देखो, ये ऐसे ऐसे टर्म्स हमको यूज करने पड़ते हैं अपने आंसर को अच्छा बनाने के। टेक्नोलॉजिकल डिवाइड की, जिसने टेक्नोलॉजी पढ़ ली वो तो मशीन का यूज कर लेगा, और जो नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, आप खुद देखो हमारे भारत में कितने ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन, इवन मैं आपको डेटा बता दूं कि 4% इंडिया में ऐसे लोग हैं जो एआई का यूज कर सकते हैं। अब बाकी लोग क्या करेंगे? तो इन लोगों में और जिनको आता है और जिनको नहीं आता, उनमें कितना गैप हो जाएगा, तो इनइक्वलिटी आ जाएगी ना सोसाइटी में, डिवाइड क्रिएट हो जाएगा एक। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कंसर्न है एआई के साथ। ओके, बाकी आप लोग भी देखना इन चीजों को। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि भाई एआई होता क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखी। हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई क्या कंसर्न्स है। अब इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया, क्या इनिशिएटिव्स लिया है। जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल एआई स्ट्रेटेजी बनाई कि एआई का हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, पोर्टल बना दिया कि भाई एआई से रिलेटेड किसी के कोई सवाल हो, कोई ग्रीवेंसीज हो, या कोई सजेशन देना चाहता हो तो इस पोर्टल पे आगे बात करो। नेशनल प्रोग्राम बना दिया, एक इनोवेशन फंड बना दिया कि भाई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट्स में हम लोग फंड देंगे ताकि एआई को बढ़ाया जा सके। जैसे सीबीएसई ने अभी क्या किया है कि अभी कुछ सालों से एआई को अपने स्कूल करिकुलम में इंक्लूड कर दिया है। ये स्टेप्स लिए हैं। नीति आयोग ने स्ट्रेटेजी प्लान बनाया था जिसमें 5 एरियाज पे फोकस किया था कि हम लोग एआई का यूज करेंगे, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऐसे कुछ 5 एरियाज बनाए थे कि जिसमें ये एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, प्लान बनाया था कि इन इन चीजों में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। ओके, इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ओईसीडी के प्रिंसिपल्स हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए, क्या सही हो सकता है और क्या नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो वर्ल्ड लेवल पे आप ये दो एग्जांपल्स याद कर लेना, ठीक है, ओईसीडी के प्रिंसिपल्स और जीपीएआई के। मूक जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज चला दिए गए कि भाई आपको ऑनलाइन ही सारी चीजें मिल रही है, आपको मशीन ही पढ़ा रही है। ओके, इससे क्या होगा कि हम लोग उस पॉइंट तक या उस लोकेशन तक भी पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट इसका है, जैसे स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल पे ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो उस लोकेशन तक जहां पे एजुकेशन नहीं है वहां तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। जैसे अभी एनपीसीआई ने लॉन्च किया पाई, ओके, ताकि अवेयर किया जा सके लोगों को फास्ट टैग, रुपए और इन सब के बारे में। तो ये भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ स्कीम्स चलाई हैं। आप अब देखो इतनी सारी स्कीम्स हो, आप 2-3 इसमें याद कर लेना, और जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र आ जाए जहां जाए तो उनको यूज कर लेना। पढ़ाया था ना बूस्टर में कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, कि किस तरीके से आप वैल्यू ऐड करोगे, तो आपके पास लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल के एग्जांपल्स होने चाहिए, तो आप ये सब का यूज करोगे।
अपने आंसर राइटिंग में। ओके आगे आ जाते हैं। अब भारत सरकार की तो हमने बात कर ली, ग्लोबल की बात कर ली, अब राजस्थान सरकार का भी देख लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने हैकाथॉन चलाई। हैकाथॉन होता है ना कि कॉलेजेस में हैकाथॉन चलाते हैं, कि इसके बारे में अवेयर कर रहे हो आप लोगों को। इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए। ओके इंक्यूबेशन सेंटर्स में यहाँ पे रिसर्च होती है इनके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, 3D प्रिंटिंग के वर्कशॉप्स लगाई गई, AI एंड डाटा एनालिटिक्स पॉलिसी बनाई, या फिर राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में बनाया इन्होंने। तो ये एग्जाम्पल दो आप कि राजस्थान, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेके आई, तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ओके आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और नोट्स भी इसी तरीके से बनाने हैं आपको, कि यही नोट्स बनाने का तरीका है। सारे टॉपिक को जब कवर करना है तो ये होलिस्टिक कवरेज हो जाएगी। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम लोग पढ़ने लगे ना तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कि ऐसा पढ़ना है, वो चीज पढ़नी है और उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो। अब आती है वे फॉरवर्ड की बात। जब आप 10 मार्कर क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें आपको वे फॉरवर्ड देना पड़ता है। तो वे फॉरवर्ड कैसा होता है? विजनरी होता है हमारा, है ना, कि हमें जो जो खामियां थी ना उन खामियों को अगर हम लोग ठीक कर पाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अगर हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, अगर हम लोग लोगों को अवेयर कर पाए, जो AI का जो एल्गोरिथम है उसको अच्छे से यूज कर पाए, और इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो लोकल जो लोग हैं उनकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा कर सके, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ ना जिससे कि सोसाइटी में डिवाइड ना आए, लोग बटे ना, ऐसी बनाओ जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो, है ना, वेलफेयर सोसाइटी बने, ये वर्ड्स यूज करो आप। हमें वो सारी चीजें, और बायसनेस ना हो, बायसनेस को कम करना, मशीन्स डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए एक दूसरे, जैसे अभी आपको एग्जांपल्स बताया मैंने, इक्विटेबल शेयरिंग हो, कि कोई मशीन बनाई गई है, कोई टेक्नोलॉजी लेके आए, तो इस टेक्नोलॉजी का लाभ जो सबसे अमीर आदमी है और जो सबसे गरीब आदमी है उन दोनों को होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा, हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि इंडिया में सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो AI का यूज कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हमें स्कीम्स लेके आनी पड़ेंगी, वहां पे कोर्सेज लॉन्च करने पड़ेंगे। ओके तो ये आप वे फॉरवर्ड देख सकते हो, कि ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की। ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोगों को लिखने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इंट्रोडक्टरी वाला जो लेक्चर है वो देखना जाके, उसमें मैंने बताया भी है। ओके तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या समझते हो, और हाँ हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशन ला सकता है, क्रांति ला सकता है, कि भाई खेती में, कृषि में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाए जिससे कि जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक किया जा सके, फार्मर्स की लाइफ को बहुत अच्छा किया जा सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, और ये ना इसको ना 10 मार्कर कर लो यार, ये है ना, इसको 10 मार्क के अकॉर्डिंग लिखना, कि एक्सप्लेन AI और डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AI, कि इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो आपको लिखनी है। तो आप लोगों को बताया था ना कि पॉइंट वाइज लिखना है। ओके पहले इंट्रो लिखोगे, फिर बॉडी लिखोगे, और फिर कंक्लूजन लिखोगे 10 मार्कर में, ठीक है, दोनों पार्ट्स लिखने हैं, एडवांटेजेस भी लिखना है, डिसएडवांटेजेस भी लिखना है। ओके तो ये सारी चीजें हम लोगों ने, सॉरी लेक्चर थोड़े लंबे होंगे, और क्योंकि हम लोगों को सारी चीजें कवर करनी है, टॉपिक कवर करना है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके आप पहले वाला वीडियो भी देख लेना, इसको अच्छे से देख लेना, ना समझ आए दोबारा देख लेना, फास्ट करके, स्लो करके, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे देखना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, और बताना जरूर कि कैसा लगा, क्या अपन एग्जाम की जो डिमांड है उसको मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर देना। ओके कि क्या चीजें और इसमें ऐड की जा सकती हैं, ठीक है, कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। देखो साइंस एंड टेक को कंप्लीट तो करना है अपने को, पूरा करेंगे, और बाकी कोर्सेज भी लेके आएंगे, कोर्सेज मतलब वो फ्री आएंगे, टेंशन मतलब पैसा नहीं लेंगे आप, पैसा मेंस टेस्ट सीरीज में ले रहे हैं आप लोग। मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में आप सबको पता ही है ना। ओके जल्दी से ले लेना भाई, बहुत कम सीटें बची हैं, ठीक है। तेज के प्रोग्राम्स जो भी चल रहे हैं, क्यूबिट चल रहा है,
बूस्टर चल रहा है, रैपिड चल रहा है, अपग्रेड चल रहा है। क्यूबिट में बताया था कि अपन लोग 60 डे में 1800 क्वेश्चंस कवर किए हैं अपन लोगों ने प्रीलिम्स के लिए, और वो इस तरीके से कवर किए कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। बूस्टर में क्या कर रहे हैं, बूस्टर में आंसर राइटिंग कि कैसे, जो बार बार मैं बूस्टर कर कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं और कैसे हम लोग अपने मेंस में मार्क्स बढ़ा सकते हैं। रैपिड में पेपर फोर के बारे में, पेपर फोर में पद्मा मैम और अरविंद सर पूरा डिस्कस करते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। ओके, अपग्रेड अभी नियोन सर, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों का डाउट था, नियोन सर का थोड़ा सा अभी तबीयत का इशू है तो वो घर पे हैं अभी। ओके, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो अपग्रेड फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, अभी मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी अपनी, 23rd को अपना पहला टेस्ट है। ओके, बच्चों को कॉपियां पहुंच जाएंगी, कल शायद डिस्पैच कर देंगे उनको, और साइंस एंड टेक की आज पहला वीडियो हो गया है। ठीक है, कीवर्ड वीडियोस भी लेके आएंगे बहुत जल्दी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप कि आप सब लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। बस सब कुछ हो जाएगा, आप लोग विश्वास बनाए रखो और मेहनत करते जाओ, अपन सब कर लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप पे ट्रस्ट रखो और भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहो कि जहाँ पे हम हैं, जिनके साथ हम हैं, हमें सारी चीज़ें बेस्ट मिली हैं। दैट्स ऑल, बाकी वीडियो का लिंक मैं डालूंगा, आप लोग देख लेना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।